हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखने वाले 7 स्विंग ट्रेड जो आप कल मार्केट ओपन होते ही बाय कर सकते हैं। आज की रहते हैं 6 नवंबर और आप कल मार्केट मंडे को ओपन होते ही बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा स्टॉक है IRCTC, जिसमें हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट अभी होने को है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट लिया है 740-730 के जोन पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ रहा है। ठीक है, IRCTC का वीकली टाइम फ्रेम में हम अभी चार्ट देख रहे हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा टारगेट बनता है। टारगेट आपको 22% का मिल सकता है और यहाँ पे अगर टेक्निकल टारगेट की बात करें तो ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 800 रुपए का, देन बाद में ये सेकंड रहेगा 860 का और ये थर्ड रहेगा, ठीक है, 913 या 915 का। ठीक है, तो इस लेवल से आप टारगेट रख सकते हैं और इसमें एक ट्रेड बना सकते हैं। एक अच्छा यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है आपको और कंसोलिडेट हो रहा था यहाँ पे हैंडल में, आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे बार बार ये रेजिस्टेंस पे हिट हुआ है और फाइनल यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में हम अगर देखेंगे स्टॉक को तो इस तरह से हमको एक दिखेगा कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, और प्लस पॉइंट इसका ये है कि ये अपने 200 मूविंग एवरेज डे की तरफ से मतलब सपोर्ट लेके एक तो यहाँ पे ब्रेक किया, फिर सपोर्ट लिया और ये अभी आगे चल रहा है। ठीक है, मूवमेंट थोड़ी स्लो दिख रही है, वॉल्यूम भी कम ही है, बट अगर इसमें वॉल्यूम बनता है तो ये जल्दी अपना टारगेट हिट करेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया है IRCTC और सेकेंड हम स्टॉक देखेंगे जिसका नाम है हिंदाल्को। ओके, सो हिंदाल्को में हमारा पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे। मूविंग एवरेज को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, सो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हिंदाल्को एक रेजिस्टेंस लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है, 430 पे अभी ट्रेड कर रहा है और इसने कल के दिन में, कल के ट्रेडिंग सेशन में या टोटल वीक में बोले तो 6.32% का इसने रैली दी। ठीक है, सो ये कैंडल वीक की है तो एक वीक में इसने 6% अप गया, तो यहाँ पे ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हिंदाल्को भी बहुत ऊपर जाएगा और इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको यही इसके मतलब टारगेट लेवल्स होंगे ये वाले। ठीक है, और फाइनल ये टारगेट रहेगा इसका। ठीक है, सो हिंदाल्को टाइम लग सकता है बट यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो अच्छे से यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। परसेंटेज वाइज में देखोगे तो बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पे हिंदाल्को। अभी हम डेली टाइम फ्रेम पे आ गए, 4:30 पे आप देख सकते हैं। ओके, कल स्टॉक ये 5% ऊपर गया था मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक की, अभी ये सेकेंड ट्रेडिंग जोन में चल रहा है और ये भी ब्रेक करेगा तो ये अच्छा प्रॉफिट देगा। ठीक है, सो हिंदाल्को में भी आप थोड़ा वेट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉक अगर कंसोलिडेट होता है और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो और भी अच्छा है क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट आता है। ठीक है, सो हिंदाल्को हो गया, अभी थर्ड स्टॉक देखते हैं। वेदांता, पहले वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे वेदांता ने अभी एक ब्रेकआउट दिया है, एक बड़ी मारुओजो कैंडल बनाई है यहाँ पे और जब भी आपको मारुओजो तो पता ही होगा, जब भी मारुओजो फॉर्म होती है एक बुलिशनेस मार्केट में दिखाई देती है और ये वीकली टाइम फ्रेम में बनी हुई है तो ये आगे और भी ऊपर जाएगा। ठीक है, इसके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वही इसके टारगेट लेवल्स रहेंगे और ये इसका लाइफ टाइम हाई 440 का, यही इसके टारगेट से। ओके, सो इस तरह से वेदांता एक ट्रैक लिस्ट में आ गया, वॉच लिस्ट में था ये स्टॉक, तो ये अभी यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है तो ये स्टॉक अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं इसे, तो इस तरह से आपको एक डबल बॉटम पैटर्न दिखेगा, डबल बॉटम का ब्रेकआउट मिला वो भी एक अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। ठीक है, तो आप वेदांता कंसिडर कर सकते हैं और ये पैटर्न का भी डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे स्टॉक रीटेस्ट हो सकता है, तो ट्राई कीजिए स्टॉक को लोअर लेवल पे लेने का, 320 में मत बाय कीजिए, अगर करते हो तो हाफ क्वांटिटी से बाय कीजिए और जब ये रीटेस्ट करेगा या थोड़ा सा भी नीचे आएगा तब उसको फिर से बाय कर लेना। ठीक है, तो ये नेक लाइन इसकी सपोर्ट लाइन रहेगी, 300 का इसको सपोर्ट रहेगा, उसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, टारगेट इसको 360 देन 400 एंड देन 440 करेगी। ठीक है, सो जो हाइयर टारगेट है वो आप पोजिशनली ले सकते हैं, 3 महीने के हिसाब से आप टारगेट इसके रख सकते हैं। ठीक है, और जिसको छोटे टारगेट चाहिए वो ये स्मॉल वाले जो रेजिस्टेंस है प्रीवियस इस लेवल तक रख सकते हैं, ये वाले लेवल्स। ठीक है, 350 के।
देन नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं एसबीआई। एसबीआई के अभी रिजल्ट भी आए, आज ही आए, और 2x प्रॉफिट उन्होंने दिया है अभी इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में। ओके, तो एसबीआई कल देखने लायक स्टॉक होगा और अच्छी मूवमेंट आएगी एसबीआई में, बिकॉज रिजल्ट बहुत ही बढ़िया आए एसबीआई के अभी। तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए, और जिस तरह से इन्वेस्टर बिहेव करते हैं, अगर बुलिश रहेगा तो एंटर कीजिए, नहीं तो आप वेट कीजिए। रिजल्ट के दिन स्टॉक वोलेटाइल रहता है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसमें ट्रेड कीजिए, ठीक है। वैसे भी हम स्विंग के लिए ले रहे हैं, तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इंट्राडे लेवल्स के लिए, तो आप आराम से इसको लेके रख सकते हैं। और एसबीआई के बारे में अगर थोड़ा सा डिटेल आपको जानना है, तो आप एक सेपरेट वीडियो भी हम बनाएंगे, कमेंट में आप बता सकते हैं, तो उसके हिसाब से हम बना देंगे। और ब्रेकआउट इसको आप हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था 550 का, ये इसका लाइफ टाइम हाई वो हाई था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर ऊपर चला गया, और अभी ये हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ऊपर से उसने रिजल्ट भी अच्छे दिए, तो स्टॉक ये और ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो एक कंसोलिडेशन था प्रीवियस, वो ब्रेक हो गया और इसके ऊपर ये अभी जा रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है अच्छा का, और आप उसमें प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। टारगेट लेवल्स इसको ऊपर की तरफ नहीं है, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो ये स्टॉक डाउ थ्री में आता है, उसके बारे में हम कभी और वीडियो में बात करेंगे। तो ये स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप रखिए 560 का, या वो सपोर्ट लेवल है तो उसके नीचे क्लोज होता है तो ही एग्जिट करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं स्टील सेक्टर का, जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके, तो जेएसडब्ल्यू स्टील में भी यहाँ पे स्टॉक रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है, और एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस 2 वीक्स के लिए दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कैंडल्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील अपना जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई था 790, वो ब्रेक करेगा या वो टच होगा, तो आप 790 के टारगेट के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ओके, परसेंटेज में हम अगर देखते हैं तो ये 10% 12% के रिटर्न आपको इजीली दे सकता है, ठीक है। स्टॉक भी सस्ते हैं, 700 300 400 के, तो आप इजीली यहाँ पे 30-40 हज़ार तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, 50-50 स्टॉक आप टू टाइम्स लीजिए, उसके हिसाब से एवरेज करके ले सकते हैं, ठीक है। देन जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ मैं जिंदल स्टील भी रिकमेंड करूंगा, तो जिंदल स्टील में भी एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला है, और वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर अच्छी एक मूवमेंट दिखा सकता है। हाईएस्ट था इसका 577, तो वहां तक के टारगेट इसके हो सकते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट भी बहुत अच्छे से किया है, मतलब 4 वीक मोर देन 5-6 वीक यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। प्रीवियस रिजेक्शन भी आया, रेजिस्टेंस पे ट्रेड किया और फाइनली ब्रेकआउट मिला है, तो स्टॉक को अच्छे यहाँ पे आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। अराउंड 20% मतलब मैक्सिमम टारगेट है प्रीवियस हाई तक, तो आप 520 ऐसे परसेंट में आप अपना टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद अगर लेंगे तो और भी अच्छा। ओके, लोएस्ट लेवल पे लेने की ट्राई करना। ओके, सो ये डेली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं जिंदल स्टील, और जिंदल और जेएसडब्ल्यू स्टील में दोनों में से एक ही लेना। व्हाई? बिकॉज सेक्टर सेम है, स्टील सेक्टर के, तो दोनों में से एक ही स्टॉक आप ले सकते हैं, जो भी आपको सही लगे, जो भी पैटर्न आपको अच्छा लगे, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। अभी हमने 7 स्टॉक देख लिए, ये स्विंग ट्रेड के लिए थे, और जो हायर इसमें टारगेट दिए मैंने, वो आप पोजिशनल के लिए रख सकते हैं, ठीक है। आपने अगर नोट डाउन नहीं किया होगा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ये सारे दिए हुए स्टॉक और उसके एंट्री एग्जिट लेवल सभी टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ, तो आप ये मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मतलब बाकी के भी मैं अपडेट देता हूँ रहता हूँ, जैसे कि अभी बीका जी का आईपीओ चल रहा है तो उसके बारे में, और ये आज का जो वीडियो आने वाला था उसके बारे में भी मैंने सुबह बता दिया था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप सभी चार्ट जो भी हमने देखे, 7-7 चार्ट, वो सब यहाँ पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, और हमारा एक बिगिनर्स के लिए कोर्स भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो उसकी भी मैं लिंक दे दूंगा। 14th of November को चालू होगा, ये लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहते हैं, और फीस भी इसके मिनिमम है,
कोई भी इजीली अफोर्ड कर सकता है, और ये हम क्लास खत्म होने से पहले ही मार्केट में से रिकवर भी करके देते हैं, ठीक है। और इस चैनल पे हम ऑप्शन कॉल्स भी देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीमियम ऑप्शन कॉल्स भी है हमारे, और बाकी भी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो बाकी मार्केट अपडेट्स भी है, आप देख सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फ्री कॉल्स मैं यहाँ पे देता हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लॉट 2 लॉट पे 6-6 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे एक दिन में यहाँ पे मिल रहा है। तो आप पहले वॉच कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।